सांप जो आप देख रहे हैं ये रसल सेंट बोवा, इंग्लिश में रसल सेंट बोवा, और हिंदी में बाड़ू सांप के नाम से जानते हैं, और बंगला में थूथर। ये बिल्कुल नॉन वेनमस, ये बड़ा आराम से चूहों को पकड़ के खाता है। सांप ही एक ऐसा प्राणी है जो चूहों को कम करने के लिए गॉड गिफ्ट है, इसीलिए सांपों को पर्यावरण में बचे रहना बहुत जरूरी है। आप भली भांति देख रहे हैं कि अपने आहार को, फीड्स को जकड़ करके जान मार देता है, क्योंकि ये नॉन वेनमस है, इसीलिए ये अपने आहार को जकड़ करके जान मार देता है। जब वो चूहा बिल्कुल डेथ कर जाएगा तो ये धीरे 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 वो अपने मुंह की तरफ से वो गिलना शुरू करेगा, यानी भीतर की ओर ले जाएगा। और सांप ठंड के मौसम में हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं, उस समय ये खाना पीना को त्याग देता है। हमारे यहाँ लगभग 4 महीना ठंड ही रहती है, जिसके ठंड के मौसम में ये खाना पीना को त्याग दे करके बिल्कुल सुस्त पड़ा रहता है। आप भी सांप बचाइए, आपके घर में कभी सांप आ जाए तो 1 लीटर फिनाइल, खास करके 1 लीटर फिनाइल एक बाल्टी में डाल दीजिए, 4 लीटर और पानी डाल दीजिए, और अच्छी तरह घोल बनाएं और सांप के तरफ आप छिड़काव करें, जिससे सांप भाग जाएगा, सीधे जंगल की ओर भाग जाएगा। आप भी सांप बचाइए, लेकिन साल में कम से कम 10-20 ठो पेड़ लगाइए। पेड़ बचाइए, पर्यावरण बचाइए, सांप बचाइए, पर्यावरण बचाइए। यही लोगों से हमारा संदेश है कि सांपों को पर्यावरण में बचे रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप भी सांप बचाइए, लेकिन साल में कम से कम 12 से 20 गाछ को लगाया कीजिए।